iPhone 10 वर्सेस iPhone 8 Plus। अब जिन लोगों का बजट कम है वो लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि दोनों फोन्स एक ही साल लॉन्च हुए थे 2017 में। अब iPhone 10 अच्छा या फिर iPhone 8 Plus एंड कौन सा iPhone ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सो आज की डेट में iPhone 8 Plus 14 से लेकर 15,000 रुपए में मिल जाता है, वहीं iPhone 10 17-18,000 रुपए में। सो प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट आपको कौन सा iPhone पिक करना चाहिए। सो गाइस ऑल्दो ये दोनों ही iPhones एक ही साल लॉन्च हुए थे, बट फिर भी आपको इन दोनों ही iPhones में काफी डिफरेंसेस मिल जाते हैं। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज मैं दोनों ही iPhones को डिटेल में कंपेयर करने वाला हूँ एंड हम बात करेंगे हर चीज की, लाइक डिस्प्ले, डिजाइन, कैमरा, बैटरी लाइफ, गेमिंग। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन एंड लुक्स की। अब दोनों फोन्स के लुक्स में आपको काफी डिफरेंस मिल जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें डायमेंशन की, सो आईफोन 10 काफी स्मॉल है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, विड्थ एंड गाइस आईफोन 8 प्लस एक कॉम्पैक्ट फोन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ आईफोन 14 प्रो मैक्स के साइज के साथ, 14 प्रो मैक्स पे केस लगा हुआ है उसके बाद भी, सो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं बैक से भी आपको लुक्स में काफी डिफरेंस मिल जाता है। आईफोन 8 प्लस में मिलता है हॉरिजॉन्टल कैमरा सेटअप, वहीं आईफोन 10 में वर्टिकल। अब ये चीज टोटली डिपेंड करती है आप पर, आपको किसका डिजाइन ज्यादा पसंद आता है, आईफोन 10 का या फिर आईफोन 8 प्लस का। वहीं साइज के साथ साथ दोनों फोन्स के वेट में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। आईफोन 10 का वेट है 174 ग्राम्स, वहीं आईफोन 8 प्लस का 202 ग्राम्स। वहीं आपको फ्रंट से भी लुक्स में काफी डिफरेंस मिल जाएगा। आईफोन 8 प्लस में काफी मोटे बेजल्स मिलते हैं, ओल्ड डिजाइन है। वहीं इस तरह के डिजाइन पहली बार आईफोन 10 में आया था। वहीं इसके बाद हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड फीचर्स की। सो ऑल्दो दोनों फोन्स में आपको बैक एंड फ्रंट में कॉर्निंग का कस्टम ग्लास मिल जाता है, बट एक मेजर डिफरेंस आता है विच इज इन फ्रेम। आईफोन 8 प्लस में मिलता है एल्यूमिनियम का फ्रेम, वहीं आईफोन 10 में स्टेनलेस स्टील। सो अनडाउटेडली यहाँ पे आईफोन 10 ज्यादा प्रीमियम एंड स्टर्डी फील होता है, बट इसी के साथ इसमें ज्यादा फिंगरप्रिंट्स भी आते हैं। वहीं आईफोन 8 प्लस में आपको मैट फिनिश मिलता है जस्ट लाइक लेटेस्ट नॉन प्रो मॉडल्स। अब दोनों फोन्स में आपको IP67 की रेटिंग मिल जाती है, 1 मीटर फॉर 30 मिनट्स एंड डुअल सिम का सपोर्ट किसी में भी नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोनों फोन्स की डिस्प्लेस की। सो आईफोन 10 में मिल जाती है 5.8 इंचेस की OLED डिस्प्ले, इसका रेजोल्यूशन फुल HD से थोड़ा सा ज्यादा है एंड इसी के साथ 3D टच का सपोर्ट। वहीं आईफोन 8 प्लस में मिलती है 5.5 इंचेस की LCD डिस्प्ले विद 1080p रेजोल्यूशन, 401 PPI एंड इसमें भी आपको 3D टच का सपोर्ट मिल जाता है। अब दोनों फोन्स के डिस्प्लेज में कुछ सिमिलैरिटी एंड इसी के साथ काफी ज्यादा डिफरेंसेस भी हैं। फॉर एग्जांपल दोनों में आपको ट्रू टोन का सपोर्ट मिल जाता है एंड इसी के साथ P3 वाइड कलर गैमेट, बट एज आईफोन 10 में OLED डिस्प्ले है एंड आईफोन 8 प्लस में LCD डिस्प्ले, सो यहाँ पे कंट्रास्ट रेशियो में काफी ज्यादा डिफरेंस रहेगा। आईफोन 10 में आपको मिलते हैं वाइब्रेंट कलर्स, डीप ब्लैक्स एंड इसी के साथ ट्रू HDR 10 एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट। सो अनडाउटेडली वी कैन से आईफोन 8 प्लस का डिस्प्ले खराब नहीं है, LCD होने के बाद भी काफी अच्छा डिस्प्ले है, एकदम ही कलर एक्यूरेट है, बट आईफोन 10 का डिस्प्ले इज जस्ट बेटर। ऑल्दो इसमें आपको बड़ा सा नॉच मिल जाता है जो कि मे बी हो सकता है काफी लोगों को डिस्ट्रैक्टिंग लगे। एक और मेजर डिफरेंस आपको मिल जाता है विच इज इन सिक्योरिटी। आईफोन 10 में मिलती है फेस ID एंड पहली बारी फेस ID आईफोन 10 में इंट्रोड्यूस हुई थी, वहीं आईफोन 8 प्लस में वही ट्रेडिशनल टच ID। अब कुछ लोगों की अभी भी आज के डेट में प्रेफरेंस रहती है टच ID की, सो वो चीज टोटली आप पे डिपेंड करती है। वहीं अगर हम बात करें स्पीड एंड रिलायबिलिटी की, सो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की, विच इज कैमरास। अब ऐसे दोनों ही आईफोन्स सेम ईयर लॉन्च हुए थे, बट उसके बाद भी इनके कैमरास में डिफरेंस है। सो दोनों में आपको एग्जैक्टली सेम सेल्फी कैमरा मिलता है विच इज 7 मेगापिक्सल एंड शूट कर सकता है 1080p 30fps वीडियोस, बट पोर्ट्रेट सेल्फीज का ऑप्शन आपको केवल आईफोन 10 में मिलता है एंड ये चीज आईफोन 8 प्लस में मिसिंग है। वही अगर हम बात करें प्राइमरी लेंस की, सो वो एग्जैक्टली सेम है, बट मेन डिफरेंस आता है टेलीफोटो लेंस में। आईफोन 10 के टेलीफोटो लेंस में आपको कुछ मेजर इंप्रूवमेंट्स मिलती थी। सबसे पहली चीज ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन एंड सेकंड थिंग डिफरेंस इन अपर्चर, जिसकी वजह से लो लाइट में इसका टेलीफोटो लेंस ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। सो एज आई सेड दोनों फोन्स के प्राइमरी लेंस में आपको कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, ये ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करते हैं। भले अगर हम बात करें आउटडोर्स में लिए गए सैंपल्स में डिटेल्स की, कलर्स की एंड इसी के साथ HDR परफॉर्मेंस एंड इसी तरीके से सेल्फी कैमरा भी एग्जैक्टली सेम परफॉर्म करते हैं। अब जो पोर्ट्रेट सेल्फी का ऑप्शन आपको आईफोन 10 में मिलता है वो आज के स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना ज्यादा कुछ खास नहीं लगता है, बट गाइस रिमेंबर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2017 के आईफोन्स की एंड इन्हें हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं। सो उस हिसाब से आईफोन 10 में आपको ये एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। ऑल्दो दोनों फोन्स में आपको 2x टेलीफोटो लेंस मिलता है, बट इनकी फोकल लेंथ में मेजर डिफरेंस है
जिसकी वजह से 2x पे होने के बाद भी iPhone 8 Plus में आपको ज्यादा काइंड ऑफ जूम इन इफेक्ट मिलता है। एंड इसी रीजन की वजह से हो सकता है मे बी काफी सारे लोगों को iPhone 8 Plus के पोर्ट्रेट सैंपल्स ज्यादा अपीलिंग लगे। बाकी फोकल लेंथ के डिफरेंस के अलावा ओवरऑल क्वालिटी तो iPhone 10 के टेलीफोटो लेंस की ही बेटर है, स्पेशली लो लाइट सिचुएशंस में iPhone 10 का टेलीफोटो लेंस ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। दोनों फोन्स के प्राइमरी एंड टेलीफोटो लेंस शूट कर सकते हैं 4K 60fps वीडियो, जो कि अगेन काफी बड़ी बात है उस टाइम के हिसाब से। प्राइमरी लेंस की वीडियो क्वालिटी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगी। एक्सपोजर कंट्रोल इन फोन्स का स्पेशली इतना अच्छा नहीं है एंड ये चीज आईफोन 10R 10S से इम्प्रूव हुई थी। वहीं अगर हम बात करें टेलीफोटो लेंस की वीडियो क्वालिटी की तो वो आपको आईफोन 10 में बेटर मिलेगी ड्यू टू ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। वहीं बात करें दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस की तो दोनों फोन्स में आपको एक्जैक्टली सेम परफॉर्मेंस मिलती है, A11 बायनिक चिप एंड 3GB रैम। परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है आज के डेट में A11 बायनिक चिप कैसा परफॉर्म करती है। सो गाइस आई वुड से इट इज स्टिल डिसेंट। हैवी यूजेज या फिर हार्डकोर गेमिंग आप इन फोन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ऐसे यूजेज में ये फोन ज्यादा हीट हो जाते हैं। इसी के साथ गेम्स में आपको वो हाई एंड सेटिंग्स नहीं मिलती हैं जस्ट लाइक आईफोन 10R या फिर 10S सीरीज, बट हाँ नॉर्मल यूजेज के लिए दे आर स्टिल गुड, काफी रिस्पॉन्सिव एंड स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाएगी। सो अभी कुछ ही दिनों में iOS 17 लॉन्च होने वाला है एंड यहाँ पे 50-50 चांसेस हैं इन फोन्स को iOS 17 की अपडेट मिलेगी या फिर नहीं। एंड iOS 16 को तो दोनों फोन्स काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं विदाउट एनी हिकअप्स। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दोनों फोन्स की बैटरी लाइफ की। सो iPhone 8 Plus में मिलती है 2691 mAh की बैटरी, वहीं iPhone 10 में 2716 mAh की बैटरी। सो बैटरी कैपेसिटीज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वहीं अगर हम बात करें बैटरी लाइफ की सो मैंने चीज काफी बारी बताई है, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी फोन की बैटरी हेल्थ कितनी है। सो मेरे इस iPhone 10 में ओरिजिनल बैटरी है एंड इसकी बैटरी हेल्थ 86% है। वही मैंने इस iPhone 8 Plus को सेल बड़ी से परचेस करा था, इसकी बैटरी हेल्थ 100% है, मतलब कि रिप्लेस्ड बैटरी है। सो यहाँ पे मुझे दोनों फोन से काइंड ऑफ सिमिलर बैटरी लाइफ मिल जाती है, 4 से लेके 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम। सो बैटरी लाइफ के मामले में दोनों फोन काफी डिसेंट परफॉर्म करते हैं, नॉट एज गुड एज न्यू एंड्रॉइड फोन्स। सो अगर आपकी बैटरी लाइफ एक प्रायोरिटी है उस केस में आपको ये फोन इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे एंड आपको ज्यादातर केसेस में इन पुराने iPhones को दिन में 2 बार चार्ज करना ही पड़ेगा। सो गाइस ये तो सभी बातें हो गई कंपैरिजन की, फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, दोनों ही iPhones में से कौन सा iPhone आपके लिए बेटर रहेगा। सो गाइस वैसे तो मैं आज की डेट में iPhone 10 को भी परचेस करने की सलाह नहीं देता हूँ एंड आपको परचेस करना चाहिए एटलीस्ट iPhone 10R या फिर iPhone 10S, क्योंकि हर चीज की एक एज होती है एंड उस हिसाब से iPhone 10 आज की डेट में आपको इतना ज्यादा मॉडर्न नहीं फील हो पाएगा। बट हाँ अगर आपका बजट ही बहुत कम है एंड इन दोनों iPhones में से कन्फ्यूज्ड हो आपको अनडाउटेडली iPhone 10 के लिए जाना चाहिए, एज iPhone 8 Plus के आगे iPhone 10 काफी सारे फैक्टर्स में बेटर है। एंड हाँ 2-3 हज़ार रुपये के प्राइस डिफरेंस में iPhone 10 इज बेटर डील। अब iOS को एक्सपीरियंस करने के लिए iPhone 8 Plus भी कोई बुरा फोन नहीं है। अगर आपको ये iPhone कुछ ज्यादा ही कम प्राइस में मिलता है लाइक 12-13 हज़ार रुपये में एंड प्राइस डिफरेंस 4-5 हज़ार रुपये का है, उस केस में तो पैसे सेव करके iPhone 8 Plus को परचेस करें या फिर इन दोनों iPhones को स्किप करके iPhone 10R। सो गाइस ये था इन दोनों फोन्स के बीच कंपैरिजन। अब आप लोग के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।